सो वर्स्ट स्टॉम्स एवर हिट द यूनाइटेड स्टेट अभी हरी केन् स्टॉम सर्ज आया पाँच सौ साल का फाइव फाइव हंड्रेड ईयर फ्लड इवेंट टू द फ्लोरिडा डिवेस्टेटिंग द कोस्टल सिटीज बहुत बड़ा फ्लड आया है हरिक्स स्टॉम सर्च इन यूएस आई तो स्टॉप सर्च के आता है एबनॉर्मल राइज ऑफ वॉटर जनरेटेड बाई स्टोम ओवर एंड एवर प्रडिक्टेड दोनल एस्ट्रोनिकल डाइट्स और जब स्टॉम्सर जाते हैं तो बीस फीट तक जा सकता है ऊपर तो so, बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक डैमेज कर सकता है अगर अगर स्ट्रॉग विंड्स हैं तो क्या क्या जो स्ट्रॉग्स है उसको डिटरमाइन करता है कौन कौन से फैक्टर होते हैं कि कितनी बड़ी हाइट होगी बीस फीट तक जाएगा कि अगर जाएगा तो क्या क्या फैक्टर्स होंगे तो एक स्ट्रांग विंड्स स्ट्रॉन्ग विंड्स है तो हर एक को ऊपर उठा देंगे लोअर एयर प्रेशर है तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक स्मॉल रोल प्ले करता है इन लिफ्टिंग वाटर लेवल लो अगर एयर प्रेशर है तो वो भी विंड को ऊपर उठाएगा देन हाइट कितनी है एंड पायलट द वाटर डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ हरिकेन हरिकेन का साइज क्या स्ट्रेंथ क्या है तो स्ट्रॉग मीन्स लो एयर प्रेशर स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ हरिकेन फिर डेप्थ ऑफ द स्लीप फ्लोर सी फ्लोर का डेप्थ कैसा है उस पर डिपेंड करेगा सपोज सी फ्लोर ऐसा है तो हरिकेन और ऊपर उठता जाएगा लेकिन अगर ऐसा है ऐसा है इस तरीके से बिल्कुल स्टीप है तो हरिकेन के लिए बैरियर की तरह काम करेगा और ज़्यादा स्ट्रॉग सर जो ऊपर नहीं होगा एंड कोस्ट लाइन की शेप पर भी डिपेंड करता है किस तरीके से शेप है कोस्ट लाइन की कल बार फाइनल इफ़ेक्ट हो जाता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है पानी कम है एक तो बहुत सारा पानी आ जाता है यहाँ तो so, पे कटा हो जाता है बहुत बड़ा स्टॉम्स आ जाता है तो शेप ऑफ कोस्ट लाइन डेप्थ द सी फ्लोर इस पर डिपेंड करता है जेंटल स्लोप में क्या आता है कि ज़्यादा उठेगा अगर इस तरीके से स्टीप स्लोप है तो कम उठेगा एंड देन ओशन टाइट्स वो भी स्ट्रैंगथन या वीक कर सकते हैं द इम्पैक्ट ऑफ स्टॉम सर्च